स्वामी जी, ये एपिसोड हम धर्म को समर्पित करते हैं। धर्म एक बहुत बड़ी टर्म है, धार्यति इति धर्म, और वस्तु सहाओ धर्म, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, कई कई परिभाषाओं अलग अलग दर्शनों ने अपने अपने तरीके से की है। और अध्यात्म विज्ञान जहां तक मैंने पढ़ा है, आपकी पुस्तकों को, आपकी वाणी को सुना है, तीन भागों में धर्म को आपने बांटा है, सामाजिक धर्म और कुल धर्म और तीसरा आत्म धर्म। तो इन तीन का हम अगर साथ में पालन करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हरेक का मकसद भी अलग अलग है, तो इसीलिए। लेकिन मानव जीवन का लक्ष्य है कि मुक्ति को प्राप्त करना, तो आत्मधर्म हमें प्राप्त करना होगा। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप तीनों धर्मों की व्याख्या खोल करके करिए, और इनसे क्या प्राप्त होता है वह भी आप हमें बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पूरे विश्व के अंदर वैसे तो सांप्रदायिक रूप में अनेक धर्म है, मगर कैटेगरी वाइज तीन प्रकार की कैटेगरी के धर्म है। सबसे पहला धर्म है मानव धर्म, दूसरा है सांप्रदायिक धर्म, और तीसरा है आध्यात्म विज्ञान यानी आत्मधर्म। इसमें पहला लेते हैं मानव धर्म, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव धर्म का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान को कोई भी दृष्टिकोण से वो हेल्प करे, तन से, मन से, धन से, वाणी से, मार्गदर्शन से, या कोई फिजिकल हेल्प करे, कोई भी प्रकार, या तो भाव भी कर सकते हैं किसी के लिए, अच्छी भावना कि यह व्यक्ति कुछ परेशानियां में है, कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसमें से वो बाहर निकल जाए, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं गुरु को। यानी ह्यूमैनिटी मानव धर्म का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान को परिस्थितियों के अधीन हेल्प करने के लिए सोचे। ये मानव धर्म जो है वो इंसान का, हर मनुष्य का, हर मनुष्य का प्राथमिक धर्म है, फंडामेंटल रिलीजन। अगर मैं इंसान हूं और मेरे में इंसानियत नहीं है तो इंसान कहने के लिए मैं लायक नहीं हूं। और कुदरत का कानून भी ये है कि अगर जैसे 100% की इंसानियत, इसको श्रेष्ठ पुरुष बोलेंगे, और मिनिमम इंसानियत 35% तो होनी ही चाहिए एज अ ह्यूमन। अगर 35% से भी लेस हो गई आप में मानवता, तो नेक्स्ट बर्थ में आप एनिमल में जा सकते, क्योंकि आप में इंसानियत जो ह्यूमन की जो बेसिक क्वालिटी है वो भी आपके पास नहीं। तो मानव धर्म को सबसे पहला फंडामेंटल धर्म है सभी इंसान के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। दूसरा धर्म है सांप्रदायिक धर्म, जिसको कुल धर्म भी बोल सकते हैं, जिसको लौकिक धर्म भी बोल सकते हैं, जो धर्म पैदा होते ही मिलता है वो कुल धर्म है, जो मान्यताओं के आधार से चलता है वो सांप्रदायिक धर्म है। और सांप्रदायिक धर्म के अंदर सभी संप्रदाय में
और सभी धर्मों में एक ही प्रकार का फॉर्मेट होता है और सभी धर्मों की थीम भी एक ही प्रकार की है। फॉर्मेट एक है, फॉर्मेट के अंदर के टाइटल अलग अलग है। जैसे सभी धर्मों के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, शिव हो, स्वामीनारायण हो या और कोई भी हो, तो पहले एक कॉलम चाहिए भगवान का, दूसरा कॉलम चाहिए गुरु का जो गाइड करने वाले हैं, तीसरा कॉलम चाहिए मंदिर का जहां हम पूजा पाठ कर सके, चौथा टाइटल होता है मंत्र का जिससे हम उच्चारण करके समझ सके कि हमारी मान्यता क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय जिनेन्द्र वगैरह वगैरह, जय स्वामी नारायण। तो ये मंत्र आ गया। पांचवा आ गया सभी कुल धर्मों का अलग अलग शास्त्र है, तो शास्त्र का कॉलम आया। छठा कॉलम आया, ये सब चलाने के लिए संस्था चाहिए, सभी की संस्था भी क्या है अलग अलग, तो छठा कॉलम संस्था का है। सातवां कॉलम आया रिचुअल्स, जो सभी धर्मों की अलग अलग होती है, सभी संप्रदायों की अलग अलग होती है, मगर रिचुअल्स का कॉलम होता है। आठवां कॉलम है वर्तमान गुरु शिष्य, जो मूल हो गए भगवान के रूप में, उसकी परंपरा में गुरु भी हो गए, मगर आज कौन विद्यमान है गुरु और शिष्य, तो वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए लाइव, ये भी एक कॉलम है सभी धर्मों के अंदर। और लास्ट है प्रोसेशन, अलग अलग प्रकार के धर्मों में अलग अलग प्रकार के, साल में दो तीन चार पांच छह प्रोसेशन निकालते हैं अपने अपने संप्रदाय के माध्यम से। तो ये नौ प्रकार की जो चीज है इसको फॉर्मेट कहते हैं, और फॉर्मेट हमेशा जो संप्रदाय होता है उसमें ही होता है, और फॉर्मेट को फॉलो करने के पीछे थीम क्या है कि किसके लिए फॉर्मेट फॉलो करना है, तो उसका थीम सिंपल है, अगर आप फॉलो करोगे तो पुण्य बनेगा, और अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो पाप बनेगा, या नेगेटिव उपयोग करोगे तो पाप बनेगा, और अगर आपको पाप की भुगतान नहीं करना है तो प्रायश्चित करो, उसका थीम है पुण्य पाप एंड प्रायश्चित, मगर लास्ट में पुण्य का बैलेंस होना चाहिए। तो इसी को कुल धर्म कहते हैं, सांप्रदायिक धर्म कहते हैं। तो ये जो सांप्रदायिक धर्म है वो पाप पुण्य और प्रायश्चित के लिए है, जो फॉर्मेट को फॉलो करता है। उसके ऊपर है आध्यात्म विज्ञान या तो आत्मधर्म, जिसमें आत्मा की पहचान वो प्रमुख है, जिसमें फॉर्मेट और पाप पुण्य की बातें नहीं आती है, वो सामाजिक और धार्मिक धर्म से ऊपर का लेवल है। तो जो आध्यात्म विज्ञान है या आत्मधर्म है वो ये कहना चाहते हैं कैसे भी करके आत्मा की पहचान करो, जागृति के अंदर रखो और अंत में अनुभव करो। तो अभी आत्मा की पहचान तो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से मानो के हो गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, यह पहचान मेरी हो गई।
मगर क्या इतना विज्ञान काफी है आत्मा की अनुभूति के लिए? तो नहीं। अगर आत्मा की पहचान नहीं हुई फिर भी आत्मा था, और पहचान हुई तो भी वही आत्मा है। और दूसरी बात, हम आत्मा है मगर आत्मा में फंसे हुए नहीं है, चाहे जानते हैं या नहीं जानते मगर फंसे हुए नहीं है। मगर फंसे हुए किस में है? जो हम नहीं है और हमारा भी नहीं है, और जहां हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर भी हम इसमें हम है, हमारा है और हमारी जिम्मेदारी है ऐसा मानते हैं। वो अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान है। तो पूरा विज्ञान जो है वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और कुदरत का मतलब होता है छह तत्वों से बनी हुई दुनिया, छह तत्वों से बना हुआ शरीर, पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड में तत्व के रूप में कोई अंतर नहीं, अवस्था के रूप में अंतर है, तत्व के रूप में नहीं नहीं है। तो उसका एक नाम है कुदरत। आम लोगों को समझ में नहीं आया इसलिए उसको कहा भगवान, कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, हालांकि तत्व से बनी हुई है। फिर दूसरा स्टेज आता है कि दुनिया चलो तत्व से बन गई, मगर चलेंगी कैसे? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं? तो क्या है? उसका नाम है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। तो ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है, कोई व्यक्ति के गवर्नमेंट के कानून से नहीं चलती। तो कुदरत का कानून क्या है आम आदमी को समझने के लिए? जैसे दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, भरती ओट होती है, पूनम अमास होती है, कहीं जगह हैवी बारिश होती है, कहीं जगह नहीं होती है, कहीं जगह ठंड ज्यादा होती है, कहीं जगह ठंड कम होती है, कहीं जगह गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम है, ऐसा होता है। मगर ये कुदरत के कानून से होता है, कोई व्यक्ति के कानून से या कंट्रोल से नहीं होता है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, तेजी बंदी, ये सब कुदरती कानून से चलता है। और इसके अलावा मनुष्य का पूरा जीवन जो कर्म फल स्वरूप है वो भी कुदरती कानून के आधार से फल स्वरूप काम करता है। कोई व्यक्ति कर्म जरूर बनाता है अपने अपने पुरुषार्थ से, मगर कर्म का फल तो कुदरत का कानून ही डिसाइड करेगा, व्यक्ति नहीं करता। तो इसीलिए छह तत्व जो परमानेंट है उसके नीचे आया कुदरत का कानून। कानून से दुनिया चलती है, कानून से सबका जीवन चलता है, यह कुदरत का कानून है। कोई व्यक्ति माने या न माने सबको लागू होगा, क्योंकि शरीर ही कुदरत का है तो कानून भी किसका रहेगा? कुदरत का रहेगा। अभी कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई जो अवस्था है वो अवस्था का रचयिता भी कुदरत है। जो हम पांच इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं ये सभी अवस्था की रचना भी कुदरत की है। तो जब कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझेंगे तो आपको विज्ञान समझ में आएगा कि दुनिया कैसे, कौन से सिद्धांत से, कौन से कुदरत के कानून से चलती है, ये रैंडम नहीं। तो जब कानून समझ में आएगा, तत्व समझ में आएगा और अवस्था भी कुदरत की ही बनाई हुई है, तो फिर इंसान के अंदर जब विज्ञान समझ में आएगा तो रिलेटिव सत्य रूपी अज्ञान,
जिसके अंदर देहाध्यास है, कर्ता भाव है, मालिकी भाव है, भोक्ता भाव है, वो नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर भी कुदरत का, क्रिया भी कुदरत की, भुगतान भी कुदरती कर रहा है शरीर के रूप में, मालिक भी कुदरती है शरीर के रूप में, तो हमारा क्या है? हम तो मन वचन काय से मुक्त है सर, शुद्ध, तो शुद्धात्मा को भुगतान नहीं है, शुद्धात्मा को सत्ता संपत्ति समुद्र साधन भी शुद्धात्मा का नहीं है, शरीर को ही मिलता है और शरीर तो कुदरत का है। तो कहने का मतलब यह है, जब विज्ञान समझ में आता है तो आपको मालूम होता है ये विज्ञान में जो जो अवस्थाएं दिखती है बिगिनिंग और एंड के रूप में, प्राप्ति और भुगतान के रूप में, ये सब कुदरती रचना है और वो मेरी हाजिरी में हो रहा है। इसमें न मैं हूं, न मेरा है और ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी है। अगर ये विज्ञान समझ में आएगा तो विज्ञान घन स्वरूप आत्मा की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ये सभी प्रक्रिया मेरी हाजिरी में हो रही है, मेरी कोई अवस्था नहीं है, मैं विज्ञान घन हूं और ये अवस्था विज्ञान स्वरूप है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने इसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा, और ये विज्ञान घन और विज्ञान के बीच में जो अज्ञान रूपी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो प्रोसेस करके अज्ञान की प्रक्रिया करके बीज डालता है, उसका फल कुदरत देती है। तो इसीलिए ये जो तीनों बात है कि आध्यात्म विज्ञान या आत्मविज्ञान, तो आत्मधर्म, सॉरी, तो आत्मधर्म का मतलब आत्मा में ही रहना है, शरीर और अवस्थाओं में रहना नहीं है। मगर ये तब संभव है जब शरीर और शरीर की अवस्था को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कौन है वो समझेंगे, तभी आप इसी कुदरती रचना से मुक्त रह सकते हैं, और कोई चमत्कारिक मार्ग नहीं है। तो इसीलिए विज्ञान घन आत्मा की अनुभूति के लिए ये कुदरत के विज्ञान को समझना आवश्यक है सिद्धांत के रूप में। इसीलिए हमने कहा कि ये आध्यात्म विज्ञान जैसे जैसे समझते जाएंगे तो ये ब्रह्मांड कार्य सभी आपको समझ में आएगा। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत सटीक आपने जो है मानव धर्म, कुल धर्म और आत्म धर्म की व्याख्या की। तो मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि मानव धर्म का अर्थ है परस्पर गुरु जीवा नाम, जियो और जीने दो, मैं भी जीऊं और आप भी जिए, पड़ोसी भी है जिए, और समस्त प्राणी जो है इस जगत के है वो आनंद पूर्वक जीवन यापन करे, गिव एंड टेक का फॉर्मूला हो गया। और दूसरा सांप्रदायिक जो है कुल धर्म है वह जो है ज्ञान से जुड़ा, उसका पालन करना ज्ञान है, उसका पालन नहीं करना है वह अज्ञान है, और इससे प्राप्ति होती है सद गति की प्राप्ति होती है, दुर्गति टल जाती है। अगर मानव धर्म और कुल धर्म का पालन करते हैं दुर्गति टलती है, वह भी अच्छी है। लेकिन कोई पहुंचा हुआ साधक कहे कि मैं तो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे तो जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाना है, और वह मानव ही सोच सकता है, मानव ही कर सकता है, मानव ही जा सकता है, तो ऐसे लोगों को आत्म धर्म अपनाना चाहिए, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वामी जी बहुत सुंदर, सटीक, सहज, सरल, सुगम आपने जो समाधान दिया उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।